नमस्कार दोस्तों, आपकी जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान रह हो, आपकी जो भी मनोकामना है आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शुक्रवार के दिन लौंग और कपूर का एक अचूक उपाय कर लेना है। इससे कन्या मासि आपके जीवन में जो भी कर्जा से या धन से जुड़ी हुई समस्या या आपके व्यापार में कोई भी रुकावट आ रही, कभी ऐसा होता है कि रुपए तो आता पर टिकता नहीं, आपके घर में बरकत नहीं आती, आपकी तिजोरी हमेशा ही खाली रहती, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें आपकी तिजोरी में टिकता ही नहीं है, तो आपको इस वक्त घबराना नहीं होता, आपको धैर्य से काम करना होता है, आपको ये अचूक उपाय अवश्य कर लेना है, जिससे कि आपके जीवन में जो भी व्यापार से जुड़ी हुई समस्या या कर्ज से जुड़ी हुई आर्थिक तंगी से जुड़ी समस्या उससे आपको लाभ मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी आपके इष्ट देवता आपकी उस मनोकामना को अवश्य ही पूरा करेंगे। आपको ये उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक है, क्योंकि जो व्यक्ति इस उपाय को किया उसको लाभ मिला, तो आपको एक बार ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। आइए जानते हैं वो कौन सा उपाय जिससे कन्या मास से हम सभी लोगों के जीवन में चल रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सके। यह उपाय आपको मंदिर में जाकर करना है। जो भी आपकी इष्ट देवता हैं आप उस मंदिर में भी जा सकते हैं, या फिर आप लक्ष्मी माँ के मंदिर में भी जा सकते हो। आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है। जब भी आप ये उपाय करें तो अपने साथ दो लौंग, वो भी लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, और एक कपूर भी साबित होना चाहिए, बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको ये दोनों चीज़ अपने साथ ले जानी है, और ये उपाय करने के लिए आपको अपने हथेली में दो लौंग, वो भी फूल वाली होनी चाहिए, और एक कपूर रख लेना, और अपनी जो भी मनोकामना है अपनी हाथ की हथेली पर रख लें, और जो भी आपकी मनोकामना है वो आप अपने इष्ट देवता या लक्ष्मी माँ से विनती करें, और उनसे अपनी जो भी इच्छा है उससे भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आपको वो लौंग एक मिट्टी के दीपक में मंदिर में ही जला देनी है। आपको ये उपाय कर लेना है, इससे करने माँ से आपको जो भी आपके जीवन में चल रही समस्या उससे आपको लाभ मिलेगा। और जो भी है उपाय करने के लिए आप अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाएं, या फिर आप लक्ष्मी जी के मंदिर में भी जा सकते हैं। आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन जाना है। आपको जब भी आप उपाय करने जाएं तो आपको अपने साथ दो लौंग और एक कपूर साथ में ले जानी है। ध्यान रखना लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, लौंग साबित होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, और कपूर की टिकिया भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, कपूर की टिकिया भी साबित होनी चाहिए। आप इसके साथ ही आप एक मिट्टी का दीपक भी ले जाएं। आप फिर अपने इष्ट देवता के मंदिर जाने के बाद आप वहां पर अपने हाथ की हथेली में दो लौंग और एक कपूर जो आप अपने घर से ले के गए आप अपनी हथेली में रख लें, और हथेली को बंद कर लें, मतलब कि हथेली की मुट्ठी को बंद कर ले, और मुट्ठी बंद करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी धन से जुड़ी हुई या व्यापार से जुड़ी या आपकी जो भी इच्छा जीवन में जो भी परेशानियां चल रही उससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, उस समस्या को अपनी इष्ट देवता के सामने अपनी मनोकामना को बोलें। मनोकामना बोलने बाद में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है जो आप घर से ले गए थे, उस दीपक में जो आपके हथेली में लौंग रखी थी, कपूर रखा था, उस कपूर को उस दीपक में रख दें, और आप उस कपूर को जला दें। आप ये उपाय मंदिर में ही करना है, आपको मंदिर में ही लौंग और कपूर को एक साथ दीपक में जला देना है, और आप वहाँ से मंदिर से घर वापस आ जाएं। ऐसा करने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी उससे आपको लाभ मिले। इसके साथ ही आपके घर में सुख शांति समृद्धि भी बढ़ने लगेगी। यदि आपको ये लौंग और कपूर का उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही उपाय के वीडियो अपने चैनल पर लेके आती रहती हूँ, जिससे कि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ हो सके, क्योंकि ये उपाय कुछ धार्मिक ग्रंथों में लिखे होते हैं, वास्तुशास्त्र में बताए हुए होते हैं, और इन उपायों का कुछ ना कुछ महत्व होता है। तो आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो आपको एक बार ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ थोड़े से उपाय कर लेने, जिससे आपके जीवन में जो भी समस्या है उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। आपको मेरे चैनल पर सिर्फ उपाय के ही वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।